सो हेलो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो ये हमारी हार्डकोर सीरीज़ का पार्ट 4। तो आज का हमारे वीडियो का गोल है फुल डायमंड आर्मर एंड फुल डायमंड टूल्स बनाने का। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आगे जाने से पहले मैं इस विलेज को एक्सप्लोर और लूट कर लेता हूँ, जिसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सामान मिल जाए। तो इस वाले विलेजर के घर में तो कुछ नहीं था, और सामने वाले घर में भी तो एक चेस्ट तक नहीं है, इस वाले में भी घर में भी नहीं है शायद। मैं आयरन गोलम मेरे को सामने दिख चुका है, इसलिए मैं आयरन गोलम को मार देता हूँ। आपको पता होगा अगर आपने मेरे एपिसोड को देखा होगा कि हम लोग अभी वहाँ से मार के आए थे, मतलब आइलैंड से भाग कर आए थे। तो ये आयरन गोलम मेरे पीछे पड़ गया है, तो जल्दी से यहाँ पर टावर अप कर लेते हैं। तो 1, 2 एंड 3 मैंने टावर अप कर लिया है। सामने जब तक आयरन गोलम आ रहा है, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये गोलम आ चुका है, जल्दी से इसको मार देते हैं। ये गोलम मर चुका है, अब देखते हैं इसने मेरे को कितने आयरन दिए हैं। तो अरे से कुछ तो निकल आए चूहे टाइप, तो जल्दी से उनको मार देते हैं। और पिछले वाले एपिसोड में हम लोग आइलैंड से आए थे, तो उस वाले एपिसोड को आप देखना मत भूलिए। उस एपिसोड का नाम है पार्ट 3 है वो, तो आप उसको सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो चलो सामने वाले घर में भी लूट कर लेते हैं, इसमें तो कुछ नहीं रहता, मैंने कई बार विलेज को लूटा है, इन सब घर में कुछ नहीं है। तो चलो नीचे चलते हैं माइनिंग के लिए। सब माइनिंग में जाने से पहले मैं कुछ सामान इकट्ठा कर लूँ और इस घास फूस को हटा दूँ। तो मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल है, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल ज़मीन पर रख कर इससे एक वाटर बकेट बना लेता हूँ, जिसमें इसमें पानी भर कर मैं इन ग्रास को दूर से कर सकूँ। तो सामने मेरे को पानी दिख चुका है, तो इसको पानी को वो कर देते हैं, और जल्दी से अंदर घर के अंदर जाकर हम अपना सामान बनाते हैं, जैसे टूल्स और बाकी सब चीज़ें वगैरह। तो मैंने सब चीज़ बना ली है, मैंने अपने रिस्पॉन पॉइंट भी यहाँ पर सेट कर लिया है। तो मैं हार्डकोर सीरीज़ खेल रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ी डर लग रहा है कि मैं मर ना जाऊँ। तो चलो दिल पे पत्थर रख के चलते हैं नीचे माइनिंग के लिए। तो स्ट्रिप माइनिंग के लिए मैं डायरेक्ट जाऊँगा, और फिर बाद में पूरा डायमंड का आर्मर बना के ही आऊँगा, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने ये वीडियो को भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। मैं नीचे आ जाती, मेरे को एक केव टाइप दिख गई, मैं नीचे केव में, यहाँ पे एक आयरन भी है बहुत सारा, तो जल्दी से इस सारे आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने हैक लगाया है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को, इसलिए जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि माइनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो वहाँ पे केव का रास्ता मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ से दूसरी साइड जाता हूँ। मेरे को लेवल 5 तक जाना है, क्योंकि मेरा माइनक्राफ्ट है 1.17, इसमें 5 तक मतलब जाने के बाद डायमंड मिलते हैं। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, और मैं जा रहा हूँ नीचे। मेरे को यहाँ पर एक कोई जगह मिली है, यहाँ पे शायद उजाला आ रहा है, तो यहाँ पे लावा है। तो चलो देखते हैं, हमेशा लावा के पास डायमंड होते हैं, तो जाके देखते हैं कि यहाँ पे डायमंड है कि नहीं है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे ब्रिजिंग कर लेता हूँ, और देखता हूँ सामने जाकर कि यहाँ पे डायमंड है कि नहीं है। तो ये सारी मैंने ब्रिजिंग कर ली है, यहाँ पर मैंने सबको तोड़ दिया है। तो यहाँ पर तो मेरे को एक भी डायमंड नहीं दिखा, तो यहाँ पर थोड़ी सा आयरन था, तो सबको तोड़ के ऊपर आ चुका हूँ। तो चलिए जल्दी से ऊपर चलते हैं, अपने माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने सामने तक का ब्रिज बना लिया है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी माइनिंग करके मैं टॉर्च रख लेता हूँ। और मैं अभी लेवल 21 पे हूँ, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नीचे जाने हैं। मैंने बहुत तेज़ स्पीड कर दी है उसकी, फॉरवर्ड कर दिया है बहुत ज़्यादा। मैं 10, 9, 8 एंड मेरे को यहाँ पे आयरन देखी, तो इसको तोड़ लिया। 7, 6, 5 लेवल में पहुँच चुका हूँ, तो यहाँ पे मेरे को रेड स्टोन दिखा था, तो मैं वहाँ पे रेड स्टोन तोड़ लिया। लैपिस लजूली भी मिला, तो इसको वहाँ पे भी तोड़ लिया। तो आज हम हीरे खोजने जाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ गाइस। तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे रेड स्टोन दिखा, तो मैं सारे रेड स्टोन को तोड़ लिया। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो थोड़ी लैग हो रहा था गाइस, तो आप वो कर लेना। तो मेरे को सामने हीरे देख चुके हैं, तो जल्दी से अपनी कुदाली से इसको तोड़ लेते हैं। तो मेरे को टोटल 8 डायमंड मिले हैं, तो 8 डायमंड मिलना बहुत ज़्यादा रेयर होता है, तो मेरे को मिल चुके हैं। मेरी किस्मत आज बहुत अच्छी चल रही है,
तो आगे जाते जाते मैं वीडियो को वो स्किप कर दिया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉक आगे खोद के आने के बाद मेरे को यहाँ पे डायमंड और भी ज़्यादा मिल चुके हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो यहाँ पे भी मेरे को बहुत सारे डायमंड दिखे, तो इसको मैं भी जल्दी से तोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे 19 डायमंड हो चुके हैं, मेरे को लगभग कम से कम 40 डायमंड इकट्ठे कट के जाने हैं, जिसमें मेरा फुल डायमंड आयरन फुल डायमंड टूल्स बन जाएँ। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड कर दी है, तो ये हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा माइनिंग की तब मेरे को जाकर ये वाले डायमंड मिले। तो चलो और भी आगे चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा माइनिंग करते हुए आगे आ चुका हूँ और मेरे को और भी डायमंड मिल चुके हैं। मेरे पास टोटल 33 डायमंड हो चुके हैं, तो जल्दी से 40 हो गए डायमंड मेरे पास। तो अब वो चलते हैं ऊपर, तो यहाँ पे आयरन दिखा था, तो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, देख लीजिए आप खुद देख लीजिए मैं कितनी ज़्यादा माइनिंग किया हूँ। कम से कम 1000 या 2000 ब्लॉक तक मैंने माइनिंग की है, 1000-2000 तो नहीं, कम से कम 1000 ब्लॉक तक माइनिंग की है, तब जाकर मेरे को 40 डायमंड मिले हैं। तो मेरे को पूरे डायमंड मिल चुके हैं, तो जाके इसका पूरा आर्मर और डायमंड के टूल्स बना लेते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमको डायमंड मिल चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये वो कर लेता हूँ, जगह मैंने थोड़ी सी खाली कर ली है, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री में एक भी जगह नहीं थी सुअर रखने के लिए, धोखे से मैंने डायमंड फेंक दिया। तो मेरा फुल डायमंड आर्मर बन चुका है, इसी के साथ मेरा गोल्ड कंप्लीट हुआ एक गोल। मेरे को फुल डायमंड टूल्स बनाने हैं, तो मेरे पास थोड़ी सी स्टिक्स रखी थी, इनको भी जल्दी से निकाल लेते हैं। मेरे पास 16 डायमंड बचे हैं, एक सॉर्ड पिकेक्स एक्स और सवल बना लेते हैं सब कुछ। मैंने सॉर्ड और पिकेक्स तो बना ली है, एक्स के लिए मेरे पास स्टिक्स नहीं बचे हैं, तो मैं जल्दी से स्टिक्स ले आता हूँ। मैंने स्टिक्स बना ली हैं, तो चलो जल्दी से एक्स बना लेते हैं। तो मैंने एक्स बना ली है और सवल भी अभी मैं बना लेता हूँ, मेरी इन्वेंट्री में एक भी जगह नहीं हो रही यार। स्टिक्स भी धोखे से फेंक गई मेरी, तो स्टिक्स आ चुके हैं, तो जल्दी से सवल बना लेते हैं। तो मेरा सवल कहाँ गया भाई, मिल नहीं रहा मेरे को, मिल गया, तो मेरा सवल बन चुका है। तो चलो जल्दी से इसको कलेक्ट कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पूरा डायमंड आर्मर फुल डायमंड टूल्स हो चुके हैं। तो आज के आपके इस वाली वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो ये आपको प्लीज़ कमेंट में बताइए कैसी वीडियो थी।